किस तरह से अकाउंट बनाना है और कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कौन सी लिंक के जिससे आप ज्वाइन होंगे, तो किस तरह से सारा अकाउंट बनेगा आपका और किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट, किस तरह से आप जो है वो स्लॉट खरीदोगे, बाय करोगे, तो ये सारी डिटेल जो इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। पहले आप लोगों को ट्रस्ट वैलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ट्रस्ट वैलेट आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला ट्रस्ट वैलेट है, ठीक है। और ये यहाँ ये एप्लीकेशन है ट्रस्ट वैलेट की, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये कहाँ से मिलेगी आपको? प्ले स्टोर से मिलेगी। और ये आपको डाउनलोड कर देनी है। ये इस तरह का जो है इसका कुछ लोगो है और ये इस तरह का कुछ ये है और इसकी रेटिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रस्ट वैलेट जो है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, उसके बाद जो है वो पहले पेज पे आपको जो है क्रिएट वैलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है दूसरे पेज पे जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो ये सारे जो यहाँ पे अल्फाज लिखे आए होंगे तो अल्फाजों को क्लिक करके कॉपी कर देना है। उसको जो है वो कहीं मैसेज वगैरह या कहीं मेमोरी में सेव कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारे आपने कॉपी किए थे अल्फाज, ये सारे अल्फाज जो है वो आगे जाके जो है वो आप लोगों को लिख सेम जैसे अल्फाज होंगे उन लोगों को जो है वो ओके करना है और उन लोगों को क्लिक करके सारे सीरीज़ वाइज जो है वो आपको अल्फाज जो है वो दिखाने हैं और जो है वो उन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है वो आगे चल के दिखाते हैं आपको तो कि हम किस तरफ से वो सारे आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप ये सारे अल्फाज जो आपने कॉपी करके अलग से रखे हुए थे तो वो सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, उन सबको जो है वो एक जैसा उन सबको जो है वो आप देख देख के सेम को जो है वो क्लिक करते जाएंगे और वो जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे सारे सब जो है वो हो जाएंगे सीरीज़ वाइज आपने देख के उन्हीं पे पहले क्लिक करना है तो हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो आपका जो अकाउंट है ट्रस्ट वैलेट का वो जो है वो बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोगों को जो है वो ये वाला प्रोसेस जो है वो करना है। देखें आपको ये अकाउंट बन गया तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके जो ऐड टोकन का जो ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है वो दो कॉइन जो है वो ऐड कर देने हैं। कौन से कॉइन ऐड करने हैं? सबसे पहले जो कॉइन है वो आप यहाँ पे लिखोगे POS लिखोगे तो ये ऊपर वाला जो है वो आप लोगों को देखने में आ जाएगा। इसको जो है वो आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ये ग्रीन जब हो जाए तो ये आप लोगों को ये जो है वो ऑन कर देना है। इसके बाद दूसरा कॉइन कौन सा है, वो दूसरा कॉइन जो है मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो आप उसके लिए आप लिखोगे POLY, ठीक है। ये लिखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये पॉलीगोन वाला जो ऊपर देखेंगे आप ये वाला, इसको जो आप लोगों को ऑन कर देना है। जैसे आप लोगों ने ऑन कर दिया तो यह ग्रीन जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बटन को दबाएंगे तो ये ग्रीन जैसा हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर डन का जो ऑप्शन है आपको डन कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो आपके दो कॉइन ऐड हो गए, एक ये वाला ऐड हो गए और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब आपको जो आगे वाला प्रोसेस में बताता हूँ। उसके बाद जो है आपको डॉलर्स बाय करने हैं, डॉलर्स खरीदने हैं आपको, ठीक है। वो डॉलर्स कैसे खरीदोगे आप? डॉलर्स खरीदने के लिए ये जो POS डाई स्टेबल कॉइन, इसको हम ओपन करेंगे। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आप यहाँ पे रिसीव किया जो ऑप्शन दिख रहा है आपको रिसीव वाला, इसको क्लिक करेंगे। वो क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है इस कॉपी को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये जो एड्रेस से कॉपी करके आप भेजोगे उस बंदे को जिस बंदे से आप जो है वो डॉलर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमसे लोगे या किसी और से या फिर किसी एक्सचेंज से, तो उसको आपको ये जो है वो लिंक शेयर कर देना है। जैसे ही आपके अकाउंट में डॉलर आ गए तो ये देखिए मेरे पास अभी डॉलर पड़े हुए हैं अकाउंट में, पड़े हुए हैं डॉलर। तो अब जो है मैं आपको लेके चलता हूँ अगले प्रोसेस पे कि इसके बाद जो है अकाउंट आपको कैसे एक्टिव करना है, कैसे जो है वो पैकेजेस एक्टिव करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्राउज़र का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे, ये ब्राउज़र का जो ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो वाली लिंक पेस्ट करनी है, वो वाली लिंक जो है वो कॉपी करके पेस्ट करनी है जो आपके अपलाइनर ने आपको दिए या जो आपको गाइड करा है, समझा रहा है, जो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा है, समझा रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो आपको लिंक भेजेगा, ठीक है। आपका जो अपलाइनर होगा, आपके जो साथ कनेक्ट होगा बंदा, वो आपको लिंक भेजेगा। वो आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है, वो लिंक पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और ये लिंक पेस्ट कर देनी है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपके जो अपलाइनर है उसका जो है वो आ गया है, उसके मेंबर्स वगैरह पार्टनर। उसके बाद जो है वो जो है आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद साइनअप के जो ये बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। करने से पहले जो है आपको यहाँ पे कॉइन जो है वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कॉइन जो है आपको अब आपको ट्रस्ट वैलेट पे क्लिक करना है। वैलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है कनेक्ट करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने में आ जाएगा।
तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कंफर्म का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने में आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो अगला जो है वो प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं और ये हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है। हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो ये हमारा जो है वो अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब हमने का जो ये पैकेज है हमने ये जो है वो बाय कर लेना है। तो बाय करने के लिए हमने प्रीव्यू जो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैकेजेस जो है वो एक्टिव करने का हमें ऑप्शन देखने में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है वो 5 डाई वाला जो है वो पैकेज एक्टिव करना है। आपके पास जो अगर $5 पड़े हुए हैं अकाउंट में जो आपने ट्रस्ट फंड में डलवाएं 5 डाई, तो आप ये वाला जो अकाउंट है वो एक्टिव करें। एक्टिव का जहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इसको एक्टिव को ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये प्रोसेस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो है वो आपका बैलेंस ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट होगा और आपके पैसे कटेंगे ऑटोमेटिक अकाउंट से और आपका जो पैकेज है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो है वो दोबारा आपको ये कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ वेट का जो है वो आ जाएगा और यहाँ से ऊपर से जो है वो आपके पैसे जो है वो कट जाएंगे। जैसे आपके पैसे कट जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो कंफर्म का ऑप्शन आपको देखने में आएगा। तो दोबारा इसको आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो ये हमारा जो पहला स्लॉट है $5 वाला 5 डाई वाला वो हमारा एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे दूसरा जो है वो $10 वाला स्लॉट एक्टिवेट करेंगे। $10 वाला स्लॉट कैसे एक्टिवेट करेंगे, वहीं पे ही जो है फिर दोबारा ये जो है वो एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं ऊपर वाले में जितने बंदे ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो एक्टिवेट दूसरा जो $10 वाला जो वो एक्टिवेट करने के लिए हम वैसे ही क्लिक करेंगे इस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इसको ओके करेंगे, इसको ओके करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे जैसे ये हमारे पैसे जो है ऑटोमेटिक हमारे वैलेट से हमारे अकाउंट से कट जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखने में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको वेट करना है और यहाँ पर आपके जो है वो पैसे जो है वो ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से आपके अकाउंट से कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके अकाउंट से जो पैसे कट जाएंगे उसके बाद आपको फिर कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका जो है वो पैकेज जो है वो लग जाएगा, आपका जो स्लॉट है वो एक्टिवेट हो जाए, स्लॉट नंबर 2 जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप ये मेरा पहला और दूसरा दोनों स्लॉट एक्टिवेट हो चुके हैं। उसके बाद आप तीसरा भी करोगे तो वो भी इसी तरह से होगा, आपका स्लॉट एक्टिव चौथा पाँचवा छठा जितने भी स्लॉट से आप एक्टिवेट करेंगे तो आपका उस हिसाब से जो है वो स्लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को डॉलर्स बाय करने हैं तो वो डॉलर्स बाय करने का तरीका कौन सा है, अगर आप लोग जो है वो बाइनांस से जो है वो डॉलर्स जो है वो कॉइन बाय करते हैं तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अगर आप हमसे बाय करते हैं वो थोड़ा आसान प्रोसेस हो जाएगा, वो ऐसे होगा कि आप लोग हमें इजी पैसा ट्रांसफर करेंगे और हम लोग जो है वो आपको डॉलर्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे, या फिर अगर आप जी की जो अर्निंग आ गई है प्रॉफिट आ गया तो वो जो डॉलर्स हैं वो आप हमें सेंड करेंगे तो हम जो है वो आपको पहले इजी पैसा में जो है वो पैसे सेंड करेंगे। ये आसान प्रोसेस, अगर ये आप नहीं चाहते तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, वो ये है कि आप बाइनांस एप्लीकेशन में जाएं, वहां पे जो है वो आपको अपने डॉलर्स जो है वो ट्रांसफर होके आपको अपने पाकिस्तानी पैसों में मिल जाएंगे और आप अगर खरीदते वहां से भी खरीद सकते हैं और वहां पे भेज भी सकते हैं।